भाई फॉक्सवैगन की आज तक मैंने अपने चैनल पर कभी वीडियो नहीं डाली, तो आज ये फर्स्ट वीडियो है। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले ही पोलो TDI जिसको भी फेवरेट लगती है एक स्पोर्टी कार, तो हमारे इंडियन में जो चलती है स्पोर्ट्स में और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी इसकी है, 4 स्टार रेटेड भी क्रॉस की है इसमें। तो स्पोर्ट्स कार जितने भी लोगों को पसंद है, तो ये फर्स्ट वीडियो हमारे इस चैनल पर है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दो। भाई सब्सक्राइबर से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं, तो सब्सक्राइब प्लीज़ यार कर दो, भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। सो आज हम बात ही करने वाले हैं पोलो TDI के बारे में। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, TDI और पोलो GT। GT जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जो कि इस गाड़ी की अगर मैं पुरानी सी बात बताऊँ तो फॉक्सवैगन की ये गाड़ी आप सभी लोगों को 12 साल से इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है। 12 साल का मतलब आप समझ सकते हो, मैं अपनी उम्र की बात करूँ तो मेरी उम्र लगभग 12 साल की थी, क्योंकि 2000 में ही मैं जो पैदा हुआ था, तो मैं उसकी बात करता हूँ। तो 12 साल की उम्र जब से थी मेरी, तो तब से ये गाड़ी लॉन्च हो रही मार्केट में और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि यहाँ पर इस गाड़ी में मजबूती, बिल्ड क्वालिटी और एक स्पोर्टी फीचर्स मार्केट में सेल कराते रहते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में देखेंगे फॉक्सवैगन का लोगो मिलेगा, GT की बेजिंग मिलेगी, हनी पैटर्न में ग्रिल मिल जाएगी, उसी के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं, DRLs मिल जाते हैं, नीचे फॉग लैम्प मिलते हैं, 15 इंचेस के अलॉय मिलते हैं जो कि डायमंड में शायद नहीं आते थे, बाकी ORVM में DRL मिल जाते थे। इंटीरियर में कुछ चेंजेस होते थे, म्यूजिक सिस्टम मिलता था आप सभी लोगों को, एक स्पोर्टी फीचर्स के साथ जो गाड़ी आती थी वो काफ़ी बेहतर होती थी। अब इसके इंजन की बात करते हैं हम, तो सुबाई वही इंजन की बात करते हैं, तो वो 1.0 लीटर का यहाँ पर TSI इंजन मिलता था, और वहीं 110 BHP की पावर जनरेट करता था, और वहीं 175 Nm की पिक टॉर्क जनरेट करता था, और ये 6 स्पीड मैनुअल आती थी, और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन होता था, बट यहाँ पर ऑटोमेटिक अभी हाल ही में 4 साल पहले से आना शुरू हो गई, तो ठीक ठाक है, वैल्यू फॉर मनी है। और वहीं अगर हम इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें, तो स्टार्टिंग इसकी जो है वो 6,50,000 से शुरू होती है, जो कि काफ़ी बेहतर है, बट हमें लगता है कि 7 लाख तक की पहुँच जाएगी आपको, मतलब कि पेपर्स वगैरह जो भी हैं उनको सब कुछ मिला के यार साथ में ले चल के, तो इतना ऑलमोस्ट तो चली जाएगी। तो फॉक्सवैगन एक बहुत ही मस्त बिल्ड क्वालिटी वाली कार कंपनी है, और काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इसकी ऑलमोस्ट आती ही, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सभी सेल होती चली जाती है। तो बस वीडियो पर यहीं एंड करते हैं, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी। चलते हैं वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो कैसी लगी बता देना, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर।